तो अब ये तो रिवाज टाइप सा नहीं हो गया, अगर आपको WWE लीव करना है तो भाई चले जाओ AEW में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और भाई इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए काफी मसालेदार फ्रेश अपडेट्स एंड कमाल की स्टोरीज कवर करने के लिए आ गया हूँ, जिनको आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग परफॉर्मेंस सेंटर के कुछ बहुत ही बड़े रिक्वायरमेंट्स के बारे में करेंगे बात, जो कि WWE की तरफ से रिवील कर दिए गए, जिसमें पार्कर का नाम भी शामिल है। कीथ ली ने भी अपना रिएक्शन दिया जब इनकी जो इंजरी है वो WWE की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। WWE के हॉल ऑफ फेमर्स ने कहा कि रोमन रेंस वर्सेज एज का मैच नहीं होना चाहिए रेसलमेनिया में, इससे रोमन रेंस के कैरियर को होने वाला तगड़ा खतरा। एंड फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट बिग शो बारे में करेंगे बात, क्योंकि भाई बिग शो अब जा चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन में। आई नो काफी सारे लोगों को ये बात पहले से पता लग गई होगी, लेकिन भाई एग्जैक्ट रीजन क्या है क्यों बिग शो ने WWE को लीव किया, सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को तो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस बार परफॉर्मेंस सेंटर की कुछ बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जुड़ी है। WWE ने रिसेंटली ये बात अनाउंस की कि अभी तक जो परफॉर्मेंस सेंटर की पूरी हिस्ट्री है उसमें अभी फिलहाल जो रिक्वायरमेंट्स हुई हैं WWE की, वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स मानी जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा तादाद में WWE ने न्यू सुपरस्टार्स को साइन की है, इसमें शामिल है जॉन मॉरिसन की वाइफ, इसके अलावा रिक स्टेनर यानी कि स्कॉट स्टेनर के आई थिंक भाई वो हैं, और उनका जो बेटा है रिक स्टेनर का वो भी इसके अंदर शामिल है। ऊपर से जॉन मॉरिसन की वाइफ का मैंने नाम तो आपको बता ही दिया, कुछ मैं मेन हाइलाइट्स बता रहा हूँ जो सुपरस्टार्स अभी फिलहाल WWE के साथ साइन हुए हैं। इसके अलावा पार्कर जो कि ब्रॉक लेसनर जैसे देखने में लगते हैं, उन्होंने भी WWE के साथ ऑफिशियली अब साइन कर लिया, उनके फोटो आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने। अब इसको लेकर पार्कर ने भी अपना रिएक्शन दिया था अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि अभी बात ऑफिशियल हो चुकी है और जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो पूरा चेंज होने वाला है हमेशा के लिए, #BigBoxOfficeBroadcast Destroyer of Gods। यानी कि पार्कर के कहने का ये मतलब है भाई अब तो चीजें पूरे तरीके से कंफर्म हो ही चुकी हैं, मैं WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में तो आ गया हूं और मैं सारी चीजें पूरी तरीके से बदल के रख दूंगा, क्योंकि पार्कर खुद एक बॉक्स ऑफिस है। अब देखते हैं भाई कहां तक वो सक्सेसफुल रहते हैं WWE में, क्या वो आने वाले लेजनर बन पाएंगे या फिर नहीं, आई थिंक जो चीज है काफी सारे फैंस देखना चाहेंगे एंड उस चीज को होने में शायद टाइम अभी काफी ज्यादा होने वाला है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार लिमिटलेस कीथ ली के बारे में जुड़ी है। और भाई कीथ ली ने भी रिसेंटली अपने रिएक्शन दिए जब फैंस उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो एलिमिनेशन चेंबर में क्यों नहीं आ पाए और कीथ ली सही टाइम पे हमेशा नहीं आते। तो भाई कीथ ली ने इस चीज को लेकर है ना अपने एक तरह की लकी चार्म जिस तरीके से अभी फिलहाल उनका चल रहा है उसको लेकर अपना रिएक्शन दिया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। और यहां पर कीथ ली ने आई थिंक रिसेंटली अपना नाम बदला है, वैसे कीथ ली थे जब मैंने लास्ट टाइम उनका ट्विटर हैंडल चेक किया था, लेकिन अब नाम हो गया इंपेशेंटली कि भाई अब उनसे सब्र नहीं हो रहा एक बार फिर से आने का। और यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है हार्ड टाइम्स, यानी कि अभी फिलहाल उनका काफ़ी ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है लाइफ के अंदर, अभी फिलहाल सारी चीज़ें जिस तरीके से वो करना चाहते हैं वैसे काम कर नहीं रही हैं। WWE ने सिर्फ कीथ ली की भी फिलहाल इंजरी ही अनाउंस की है, कितने लंबे टाइम के लिए वो इंजरी है, कब तक वो रिटर्न करेंगे, फास्ट लेन में वो होंगे या फिर नहीं, ये बात बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं हुई है। मे बी आने वाले रॉकी एपिसोड में हमें कीथ ली आते हुए नजर आए, या फिर अगर रेसलमेनिया से पहले नहीं आ पाते कीथ ली और वो रेसलमेनिया को मिस कर जाते हैं, आई थिंक कीथ ली की पूरे कैरियर पे एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली है कि भाई जब आप एकदम पीक पे थे WWE अपने कैरियर के तो उस टाइम आप रेसलमेनिया जैसे बड़े शो को अटेंड ही नहीं कर पाए। बाकी इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन, आपके हिसाब से कीथ ली कब तक हमें रिटर्न एक बार फिर करते हुए नजर आएंगे, नीचे मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट बिग शो या फिर पॉल वेट के बारे में जुड़ी है। और बिग शो अब जा चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर, और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिसेंटली या फिर कह लो अभी से कुछ घंटे पहले ही जो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन है वो ऑफिशियली ये बात अनाउंस करती है कि भाई जो बिग शो है वो आ चुके हैं AEW कंपनी के साथ, और टोनी के साथ में यानी कि टोनी सिकोवेनिया के साथ में वो हमें AEW के ऊपर कमेंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं। और भाई बिग शो का अचानक से ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर जाना उसने पूरे तरीके से रेसलिंग वर्ल्ड में तहलका मचा के रख दिया है। बिग शो ने WWE कंपनी के साथ काफी सालों से काम किया है, आई थिंक 1999 से वो है WWE कंपनी
कंपनी के अंदर जहां तक मुझे याद है। और बिग शो ने WWE के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की हैं। अचीव करने की बात छोड़ो, अभी जो रिसेंटली रॉ लेजेंड्स नाइट का एपिसोड हुआ था वहां पे भी बिग शो हमें बैक स्टेज शो पर दिखाई दिए थे, जहां पर वो रैंडी ऑर्टन के साथ हमें एक छोटे से प्रोमो सेगमेंट के अंदर दिखाई दिए थे। और जो रैंडी ऑर्टन है वो हमें बिग शो को बुली करते हुए नजर आ रहे थे, और मे बी वो आखिरी अपीयरेंस थी बिग शो की WWE के अंदर, क्योंकि ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन ने बात अनाउंस की है बिग शो नाम से नहीं बल्कि पॉल वेट नाम से, क्योंकि जो बिग शो नाम है वो तो WWE के ट्रेडमार्क के अंडर आता है। यहाँ पर AEW ने बात अनाउंस की कि जो पॉल वेट है अब वो ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर आ चुके हैं, एंड वो हमें टोनी सेकोविनिया के साथ कॉमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। एंड टोनी खान ने यह बात भी रिवील की है कि जो बिग शो है वो हमें रेसल भी करते हुए नजर आने वाले हैं ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर। अब काफी सारे लोगों को चलो ये बातें तो पहले से पता ही होंगी, लेकिन रिसेंटली रीजन भी आ चुका है सामने क्यों बिग शो ने साइन किया AEW कंपनी के साथ। यहाँ पर रिसेंटली जो बिग शो के काफी क्लोज फ्रेंड है उन्होंने ये बात रिवील की कि जो बिग शो है उन्हें रिसेंटली काफी सारे पैसों की यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था। उनका जो नेटफ्लिक्स वाला शो था वो कैंसिल हो चुका था, उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। WWE एंड बिग शो के बीच एक्चुअली में तालमेल बैठ नहीं रहा था एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए बिग शो को आखिरी में आके अपनी फैमिली के लिए ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन के साथ साइन करना पड़ा है। लेकिन अगर WWE उनको साइन कर लेती तो कभी भी बिग शो दूसरी कंपनी के अंदर नहीं जाते। और यहाँ पर रीजन ये आ रहा है सामने कि भाई बिग शो थोड़े ज्यादा रुपए की जो डील है वो डिमांड कर रहे थे WWE से, लेकिन WWE इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए अब बिग शो जा चुके हैं ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर। एंड आपका इसको लेकर क्या रिएक्शन है नीचे मुझे कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि इस बार रेटेड आर सुपरस्टार एज एंड हमारे ट्राइबल चीफ यानी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली WWE के हॉल ऑफ फेमर्स ने क्रिटिसाइज की है रोमन रेंज वर्सेस एज के मैच को, एंड उनके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं होना चाहिए रेसलमेनिया 37 के अंदर। अब सबसे पहले जो बुकर टी है वो इस मैच को क्रिटिसाइज करते हैं, बुकर टी यहां पर ये बात कहते हैं अभी फिलहाल जो रोमन रेंज है अपने कैरियर के एकदम टॉप पे हैं एंड वो WWE के अंदर बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके हैं, और अगर एज जैसा कोई हॉल ऑफ फेमर आते जिसकी इतनी ज्यादा एज हो चुकी है और वो रोमन रेंज को हराता है वो रोमन रेंज का पूरा जो टाइटल रेन है वो खत्म करता है, तो भाई रोमन रेंज के कैरियर के लिए ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली। एंड बुकर टी के अकॉर्डिंग WWE को ये मैच कैंसिल कर देना चाहिए, अगर ये मैच होता है तो इस मैच में रोमन रेंज की ही विक्ट्री होनी चाहिए। और वहीं जो विंस रूसो हैं जो कि फॉर्मर WWE के स्क्रिप्ट राइटर हैं वो भी इसको लेकर क्रिटिसाइज करते हैं मैच को, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि WWE ने मैच एक्चुअली में बुक क्यों कर दिया है, रोमन वर्सेस एज जरूर से एक ब्लॉकबस्टर मैच है लेकिन अगर एक्चुअल में आप इस मैच के बारे में सोचोगे तो ये मैच एकदम बेकार रहने वाला है अगर एज इस मैच को जीतते हैं। हाँ अगर WWE ये मैच रख रही है तो WWE को ये करना चाहिए कि रोमन रेंज कुछ ही सेकेंड के अंदर एक मिनट से कम में ही हरा दें एज को एंड पिनफॉल विक्ट्री से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करें रेसलमेनिया 37 में। अब देखो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले काफी सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमें स्पीयर वर्सेस स्पीयर रोमन वर्सेस एज का मैच चाहिए, अब ऊपर से जब मैच कंफर्म करती है WWE तब हॉल ऑफ फेमर्स ये बात कहते कि भाई रोमन रेंज के कैरियर को इससे खतरा है। अब भाई मुझे नहीं समझ आ रहा इनका क्या तालमेल सा है, पहले वो कहेंगे मैच चाहिए फिर मैच नहीं चाहिए। अब भाई इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि आपके हिसाब से अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 37 में ऐसे अपनी चैंपियनशिप हारते हैं क्या उनके कैरियर के लिए चीज सही है या फिर नहीं, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन नीचे मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। एंड फाइनली गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई नीचे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी फ्रेश अपडेट जाने को मिलते रहे। मैं अगली वीडियो के अंदर आप सभी से काफी हूं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।